आप देख सकते हो बालों के ऊपर कितना अच्छा रिजल्ट है, यानी कोई एडिटिंग नहीं है। वीडियो मेरे जो व्लॉग्स होते हैं उनमें तो कोई एडिटिंग नहीं होती है, आप देख सकते हो नेचुरल ये मेरे बालों की शाइन है। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जैसे कि आज 18 है, सो 18 के दिन आज मेरा कैरेटिन डे है, तो अब से रोमा मेकअप स्टूडियो पर कैरेटिन स्टार्ट हो चुका है। तो आप में से किसी को भी सर्विस लेनी हो तो आप आ सकते हो। ये हो गई चलो आज की दिनचर्या की बात। अभी मैं कर रही हूँ मेरे स्किन केयर, क्योंकि अभी जस्ट मैंने फेस वॉश किया, अभी जस्ट मैं नहा के निकली हूँ और घर में सफाई चल रही है, क्योंकि हॉल थोड़ा सा बाकी था। तो आज सुबह से वर्कर के साथ ही मैं भी लगी हुई थी सफाई में, और खाना भी साथ साथ में बना दिया है, सिर्फ रोटियाँ बनानी बाकी हैं। तो फटाफट से अभी स्किन केयर करती हूँ। कल मैंने मेरी शॉप से एक परफ्यूम बाय किया है, और शॉप पे जाके मैं आपको बताऊंगी, बहुत ही अच्छा परफ्यूम है, मुझे इतना अच्छा लगा तो मैंने मेरी परफ्यूम कलेक्शन में एक परफ्यूम और ऐड किया है। जब तक फेस पर डार्क स्पॉट रिमूवर सूखता है तब तक मैं मेरा परफ्यूम लगा देती हूँ, मेरा बर्थडे गिफ्ट, जो कि मैंने यूज़ ही नहीं किया था, अभी दो दिन से मैंने यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो स्किन का परफ्यूम है ये, का फ्रेगरेंस अल्टीमेट, जो मैंने बहुत अच्छी चीज़ मुझे गिफ्ट की है। मेरा क्लियर बैलेंस का डे क्रीम कंप्लीट ख़त्म होने आ गया है, आज का लास्ट रहेगा बस, पर मैं ले आई पैकेजिंग, क्योंकि मुझे गैप बिल्कुल भी नहीं चाहिए मेरी स्किन केयर के अंदर, क्योंकि बड़ी मुश्किल से मैंने मेरा चेहरा सही किया है। मांग तो मैंने कंप्लीट रेडी, बाल बना देती हूँ जल्दी से जल्दी। हेयर कंप्लीट, तो अब चलते हैं किचन में। तो किचन में मैं अभी आ गई हूँ, और किचन में आके देखा मैंने तो जो मैंने सब्जी बनाई थी वो थोड़ी जल गई है, खाने जैसी नहीं रही है, तो अभी दूसरी सब्जी बना रही हूँ। वहाँ पर लॉन्ड्री कट कर दिया, और 12 बजे ट्रेनर्स आ जाने वाले हैं, तो मुझे जल्दी जाना पड़ेगा, 12 बजे से 3 मिनट बाकी है। सब्जी फटाफट इधर साइड पक रही है, मैं आटा लगा देती हूँ और रोटी बना देती हूँ। बहुत जल्दी जल्दी खाना बना दिया है, और वो लोग क्या एक्चुअली थोड़े से लेट हो गए, 12:30 बजे आए, और अभी हो रही है 12:49, सो मैं भी थोड़ी लेट हूँ। तो मेरा लंच मैंने यहाँ पर रख दिया है, अभी लंच कर देती हूँ। ये लौकी की सब्जी रोटी फटाफट से खा लेती हूँ खड़े खड़े। खाना हो चुका है, अब चलते हैं शॉप पर। स्लीपर कहाँ है, आजकल शूज़ पहना ही नहीं रहे, बारिशों से आदत छूट गई है। हमारी धन्नो भी आ चुकी है, बिजली धन्नो ऐसे नाम रखने पड़े नहीं। सीताफल लगे हमारे यहाँ पे, मीठे मीठे हो जाएंगे, मीठे मीठे जोरदार सीताफल, तो इतने मीठे लगते हैं हमारे यहाँ के, चीकू भी जोरदार लगते थे पहले। यहाँ पे अनार का भी पेड़ छोटा, अच्छा ना लगता है इसके ऊपर भी। आज नेहा अमर लिए लेके आई है भाकरी और मसाला, जो ये बहुत टेस्टी बनाती है, कब से बोल रही थी मैं लेके आऊँगी, आज फाइनली लेके आई है। मैं घर से खाना भी इसलिए थोड़ा कम खा गई, और हमने खा लिया है, और उस साइड मैडम खा रहे हैं, देख लो, नहीं देख लो। ठीक है, खाते हैं मस्त। तो आप तो समझ गए जो मैंने बताया है ना, कल को ये नहीं फोन करके कि युवराज मेरे हेडफोन हो गया और जल्द है ना, तो आप क्लियर रखना, क्योंकि ना तो अपन स्कैल्प पे, आप खुद भी देखोगे यार स्कैल्प पे प्रोडक्ट लगेगा ही नहीं है ना, सिर्फ शैम्पू के अलावा इनकी स्कैल्प पे कुछ नहीं लगेगा। थोड़ा कट करेंगे हैं, थोड़ा रिफ्रेश हो जाएगा, अच्छा शाइन स्मूथनेस आएगा, ठीक है। तो दो बार आप शैम्पू करेंगे 3-3 मिनट के लिए। केराटिन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, सबसे पहले मेरे बाल हो रहे हैं अभी वॉश, और अभी भावना ही मेरे बालों को वॉश कर रही है अंदर, अब रोशनी का हेयर का प्रोसेस चालू हो रहा है। स्मेल्स बहुत मस्त है, मेरा इंस्टा पे डालोगे? मैं यूट्यूब पर भी डालती हूँ, नहीं डालते हो ना, मेरा मैं डालना, क्योंकि मैंने ब्लैक टी शर्ट नहीं पहनी है। अच्छा ऐसा, देखो तो तुम जैसे कहते हैं वैसे कहते हैं, पता ओ ओ ऐसे क्यों बोलती है? कौन बोलता है ऐसे? वो तो ना बोलते हैं, उसमें तो सही बोल गई हूँ, इतने लोग देख रहे हैं तो उल उल अब वो वीडियो डालने पड़ेगी, बहुत मैं जीत।
करो यार, मेरी तो नहीं नवरात्रि वाले 12 बजे हो गया। अच्छा तुम इतना हंसाओ मत मेरे को। तो सबसे पहले मैंने मैम को क्या बोला था कि कैरेटिन कंप्लीट हो गया है। फाइनल रिजल्ट आपने देखा, मुझे मेरा कैरेटिन इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। बालों के साथ खेलने का हो रहा है, बालों में आप शाइन देख सकते हो, कितनी अच्छी शाइन आई है और वाकई बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। तो सब जनों को मैं बता देती हूँ, अब सलोन पे कैरेटिन अवेलेबल हो गया है, तो आप भी आकर इस टाइप से कैरेटिन का ट्रीटमेंट ले सकते हो और इतनी खूबसूरत लग सकते हो, अपने बालों को इतना अच्छा दिखा सकते हो। तो अब चलते हैं घर पे, क्योंकि काम कंप्लीट हो चुका है, सब जने अपने घर चले जा चुके हैं और घर जाके पूरी डिटेल में बात करते हैं। घर आ चुकी हूँ मैं और आज के बारे में आपको पूरा बताती हूँ। तो आज हम कर रहे हैं आज के बारे में बात, क्योंकि आज हुआ है मेरा कैरेटिन ट्रीटमेंट बालों में। मैं बहुत टाइम से कैरेटिन ट्रीटमेंट लेने का सोच रही थी, मैंने जैसे कि आपको बताया ही था मैंने कल के ब्लॉग में, पर मैं ले नहीं रही थी क्योंकि मुझे किसी अच्छी ब्रांड की तलाश थी और वो ब्रांड मुझे मिल गई। यार अच्छा परेशान कर रहा है, वो अच्छी ब्रांड मुझे मिल गई और मैंने बस उस वो कंपनी ले ली है और मैंने मेरे ऊपर भी ट्रीटमेंट करा दिया है कैरेटिन का। आप देख सकते हो बालों के ऊपर कितना अच्छा रिजल्ट है, यानी कोई एडिटिंग नहीं है। वीडियो मेरे जो ब्लॉग्स होते हैं उनमें तो कोई एडिटिंग नहीं होती है, आप देख सकते हो नेचुरल ये मेरे बालों की शाइन है और बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। आप भी ये वाला ट्रीटमेंट रोमा मेकअप स्टूडियो पर आकर ले सकते हो और इसके बारे में आपको पूरा कम्प्लीटली गाइड कर दूंगी। अगर आपको इसके ऊपर पूरी डिटेल में वीडियो चाहिए तो मैं पूरी एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगी, तो ताकि आपके जितने भी कैरेटिन से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूजन्स है वो सारे निकल जाएंगे। ये चीज़ गलत है कि कैरेटिन से बाल परमानेंट स्ट्रेट हो जाते हैं, ये बालों का सिर्फ एक प्रोटीन ट्रीटमेंट है। इसमें बाल बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होते हैं। हमारे बालों का जो फ्रीज है, यानी जो हमारे बाल ड्राई हैं, फ्रिजी हेयर्स हैं, वो मैनेजेबल हो जाते हैं, बट यूँ नहीं बोल सकते कि बाल स्ट्रेट हो जाते हैं। ये हालांकि मेरे बालों का फाइनल रिजल्ट है, मैंने इसमें बाल लास्ट में लेके कोई स्ट्रेट नहीं किया, ओनली फॉर ब्लास्ट ड्राई कर रखे हैं और ये इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो बहुत अच्छी चीज़ है। मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है और मैं फ़र्स्ट टाइम में इतनी सेटिस्फाइड हूँ बहुत ज़्यादा। चुगू को भी बहुत अच्छा लगे। बाकी कुछ भी कन्फ्यूजन हो आप कमेंट करो, मैं उसके ऊपर कंप्लीट वीडियो बताऊंगी, और कोई भी प्रॉब्लम हो कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, उसका मैं आंसर देने का ज़रूर ट्राई करूंगी। और हमारे ट्रेनर भैया भी जो आए थे वो इतने ही ज़्यादा अच्छे थे, उन्होंने हर चीज़ को इतना अच्छे से बताया, मेरे सारे जितने भी कन्फ्यूजन थे उन डाउट्स को पूरा क्लियर किया और कम्प्लीटली ये प्रोडक्ट के बारे में अच्छे समझाया, मुझे अच्छा थ्योरिकल भी बताया, तो अच्छे से प्रैक्टिकल भी बताया, कंप्लीट सारे जितने भी कन्फ्यूजन से वो दूर हो गए। क्योंकि मैं खुद भी कैरेटिन को लेकर थोड़ी सी, यानी क्या कहूँ, थोड़ी सी मैं भी कन्फ्यूजन में चल रही थी, इसलिए मैं इतने टाइम से कैरेटिन ला भी नहीं रही थी और मुझे अच्छे ब्रांड की तलाश थी, पर इतना अच्छा रिज़ल्ट, बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिज़ल्ट है, मैंने ऐसा सोचा भी नहीं था इतना अच्छा रिज़ल्ट आएगा, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। चिकू बैठ चुके हैं अभी एडिट करने के लिए और आज सब जनों की इच्छा थी कि दलिया खाना है, तो सब जनों के लिए आज घर में दलिया ही बना है और जो हमारे बड़ा वाला कुकर है
उसकी विसल ख़राब हो गई है, तो एक बार वापस से प्रेशर निकाल के इसको प्रेशर कुकर में वापस से फिट कर दिया है। साइड में से निकल रहा है प्रेशर, ये सीटी तो आने वाली है नहीं, फालतू में मतलब नहीं है, क्योंकि विसल बजती बजेगी नहीं, चिपक जाएगा अंदर, तो प्रेशर की वजह से तो पक भी जाएगा। मेरे दो दिन चिकू कल ख़राब हो जाएंगे। देखो कल अपन उदयपुर जा रहे हैं, परसों तो अपन आ जाएंगे ना, कल अपन उदयपुर जा रहे, परसों अपन कल्याणपुर जाएंगे, कल्याणपुर जाएंगे तो अपन को वैसे पूरा दिन हो जाएगा वहाँ पे, आके भी शाम को खाने का रहेगा। क्यों फ्रेंड्स, आप एक्साइटेड हो ना यश का दिवाली आना देखने के लिए? हालांकि हम दोनों के फंक्शंस एक ही रहते हैं, पर कंटेंट्स अलग अलग ही होते हैं हमेशा। आप देखा होगा, मैं अलग ब्लॉग बनाती हूँ, वो अलग बनाता है, इसलिए ऐसे मत किया करोगी इसका और इसका सेम ही होगा, अलग अलग नहीं देखते हैं, एक का ही देख लेते हैं। ऐसा नहीं है, मैं मेरा बिल्कुल अलग बनाती हूँ, वो उसका बिल्कुल अलग बनाता है। हालांकि जो देखते हैं उनको तो पता ही होगा दो दिन बिगड़ने वाले हैं। सबके लिए दलिया प्लेटिंग में आ चुका है, तो ये यहाँ पर प्लेट लगे, मैंने थोड़ी शक्कर और डाली क्योंकि मुझे दूध थोड़ा फीका ही लगता रहता है। मेरे को भी फीका लगता है, मेरे भी डाल दो प्लीज़ लाओ। ओके, ये हमारे शेफ आए हैं। ये यहाँ पर हाथ को अड़ के गिरता है, जिसमें का टेस्ट डबल आ जाता है। वो पूरे दिन भर का जो भी हो वो चक्के। खाना हो गया है और अब मुझे खाना खाने के बाद नींद आ रही है। दलिया मुझे थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा खा नहीं पाई, कितना तो मेरा जूठा रह गया आज। और चिकू यूँ कह रहे थे मेरे कम पड़ेगा, मैंने कहा था एक में जितना दिया है उतने में फुल हो जाएगा। मस्त पेट फुल हो गया है, अब सो जाती हूँ। आज का व्लॉग अच्छा लग गया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, चार काम कर देना। ओके, बाय।